ग्वालियर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्रीमंत माधवराव सिंधिया ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण द्वारा 25 दिसंबर से व्यापार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष मेला 25 दिसंबर से लेकर 25 फरवरी तक चलेगा। मेले में व्यापार करने वाले दुकानदार अपनी दुकानों को बनाकर लगातार तैयार कर रहे हैं। अगर झूला सेक्टर में आने वाले सैलानियों की बात करें तो सबसे ज्यादा भीड़ झूला सेक्टर में देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ मेला घूमने आने वाले सैलानियों के लिए अलग अलग डिज़ाइन और अलग अलग तरीके के झूले वाले झूला झूलने में सेक्टर में लगाए जाते हैं। मेले में खाने पीने की दुकानें तैयार हो चुकी हैं। गुप्ता पूरी वाले से लेकर हरिद्वार वाले का रेस्टोरेंट बनकर तैयार हो चुका है, जिससे सैलानियों को खाने पीने के लिए मेले में तरह तरह के व्यंजन मिल रहे हैं। मेला प्राधिकरण के अधिकारियों को कहना है कि मेले में दुकान लगाने वाले दुकानदारों को दुकान है आवंटित कर दी गई हैं। ग्वालियर से प्रदीप गुप्ता के साथ जयवीर सिंह कौरव की रिपोर्ट। जी मैं भावना सक्सेना। ग्वालियर मेले का सबसे बड़ा लगाव रहा है और कई बार मैं देखा है हर बार हाँ जी वैसे तो हम आगरा के रहने वाले हैं, तो हम आगरा से ग्वालियर मेला देखने के लिए स्पेशली आए थे। आगरा में मेले लगते हैं? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ क्या अच्छा लगा जी इस मेले का विशालतम जो रूप है, मतलब ये जो है दूर दूर तक इसकी प्रसिद्धि है, ट्रेड फेयर जो है कि यहाँ पर जो चीज़ें उपलब्ध हैं कि मतलब एक ही जो 108 एकड़ के अंदर लगने वाला ये मेला जो है, मुझे लगता है एशिया का शायद सबसे बड़ा मेला है। तो ये बहुत ही मतलब एक शानदार अनुभव है। कितने सालों से आ रही है? जी मैं यहाँ जो है बचपन में आई थी एक बार, उसके बाद में फिर जो है लगभग चार पांच पांचवी बार आ रही हूँ। क्या अंतर देखते हैं? थोड़ा सा अंतर ये है कि कुछ मॉडर्नाइजेशन हुआ है चीज़ों में, लेकिन आज भी जो पुरातन चीज़ें हैं वो आज भी वैसी की वैसी हैं, जो इसको इसकी तरफ हमें ज़्यादा आकर्षित करती हैं। कुछ पुराने ज़माने में कार्यक्रम हुआ करते थे। हाँ जी हाँ। कलाकार आया करते थे जी। क्या लगा आपको लगा रहे? देखिए अभी आज तो चूंकि मेले का शुभारंभ हुआ है हाँ, नहीं पुराने जो कलाकार थे नहीं वो प्रोग्राम तो नहीं देखा मैंने, लेकिन हाँ सुना जरूर था कि बहुत तारीफ सुनी थी उसकी। तो कहीं ना लगता नहीं ग्वालियर मेला कम होते जा रहा है? वो इसलिए क्योंकि लोगों का मॉल्स की तरफ आकर्षण बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मेलों का अपना एक आकर्षण है। ग्वालियर की शान और विदेश विदेश में नाम माधव सिंधिया के नाम से भी है। हाँ जी बिल्कुल। क्या करना चाहिए शासन को इस समय वर्तमान में? वर्तमान में मुझे लगता है शासन को इसमें इसके प्रचार प्रसार की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि लोग इसकी ओर और ज्यादा आकर्षित हों। कुछ नई एक्टिविटीज लाने का नया कार्यक्रम? देखिए अभी मैंने इसे पूरा नहीं देखा है इस समय, लेकिन मुझे लगता है कि जो मॉडर्न लोगों को चीज़ें पसंद हैं उनको भी अगर इसमें शामिल किया जाए आजकल के बच्चों के अनुरूप, तो शायद ये इसकी ओर आकर्षण और ज़्यादा बढ़ेगा। बात करें युवाओं की पसंद हो सकती है, जैसे कि इसमें कोई डीजे नाइट शुरू की जा सकती है, या फिर ऐसा कर सकते हैं हम कि बच्चों की पसंद के अनुरूप यहाँ पर जैसे कि जो पसंद पॉप सिंगर्स हैं उनकी कोई एक इस तरह का कोई नाइट का आयोजन कर सकते हैं, तो मुझे लगता है बच्चे बहुत आकर्षित होंगे इसकी तरफ। बच्चे युवा भी हैं, युवा के लिए मेरे प्राधिकरण को यह मध्य संघ जो युवा लोग हैं वैसे उनके लिए यहाँ पे सारी चीज़ें अभी वैली प्रोवाइड कराई गई हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि अभी इसमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एशिया का सबसे कंप्लीट मेला है मेरे हिसाब से, इसलिए यहाँ पे थोड़े बहुत और परिवर्तन किए जा सकते हैं, जैसे नए प्रकार के झूले लगाए जा सकते हैं, नई शॉप्स का आयोजन किया जा सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है, बाकी तो मेरे को लगता है कि यह पूरा मेला कम्प्लीट है एकदम। शासन के द्वारा यहाँ पे मेरे हिसाब से यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट के ऑथराइज्ड शॉप्स आनी चाहिए जिससे उनको उनका मनपसंद सामान मिल सके। क्या शुभ नाम लिखते हैं? मेरा नाम है ऋषित सक्सेना। सर क्या शुभ नाम लिखते हैं? मेरा नाम रोहित सक्सेना है। सच्चा साहब आज मेले का शुभारंभ होने का था जी और आप साहस
नहीं, मेले में आज हम लोग पहली बार हम ग्वालियर ट्रांसफर होके आए हैं, तो हमने यहाँ मेले के बारे में बहुत सुना हुआ था, बहुत प्रसिद्ध मेला होता है ग्वालियर का, तो हम आज चूँकि पता पड़ा कि आज इसका शुभारंभ हुआ है तो हम आज यहाँ पर आए मेले में, हमें बहुत अच्छा लगा। हालांकि अभी मेला जो है वो सजने की दिशा में अभी दिशा में चल रहा है, पर फिर भी झूला वगैरह काफ़ी लग गए हैं, काफ़ी दुकानें भी लग गई हैं, हरिद्वार वाला खाने वाला है, बंसी वाला है, बहुत से रेस्टोरेंट्स भी लग गए हैं। तो हम यहाँ पे आए, सपरिवार आए, बड़ा अच्छा लगा यहाँ आके, और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में ये मेला भरपूर भर जाएगा और सैलानियों और रहने जो शहरवासी उनको बहुत आकर्षित करेगा। झूला में एक जहाज़ झूले में हम लोग बैठे, और एक हम लोग ट्रेन में भी बैठे हमारी पत्नी के साथ में जो झूला है, और इसके अलावा एक झूला और हम झूले, वो जहाज़ झूला ही था पर वो अपने मतलब पिवट जो थी उसके भी चारों ओर वो घूम रहा था इस तरह के। पहली बार में मिला? जी जी, इससे पहले कभी मिला था? नहीं, इससे पहले हमने कभी नहीं देखा है। मेरी पत्नी ने ज़रूर जब ये छोटी थी तो ये आगरा से ग्वालियर मेला देखने आए थे जब ये 6 या 7 साल के थे। यस, हमारी पत्नी जो है वो जब बहुत छोटी थी 6-7 साल की, तो अपने पापा मम्मी के साथ ये सिर्फ ग्वालियर का मेला ही देखने ग्वालियर आगरा से आए थे।